हेलो फ्रेंड्स, रेल बजट 2022 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल रेलवे के पिंक बुक के एनालिसिस के बारे में। और चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बात करें नई रेलवे लाइंस की, तो अगर आप देखें पिछले साल इसको 317 करोड़ रुपए अलॉट हुआ था न्यू रेल लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि इस साल बढ़कर 809 करोड़ हो गया है। हालांकि इसमें दो या तीन ही रेल लाइंस हैं जिनको ये फंड अलोकेट हुआ है। इसमें से एक है अहमदनगर बीड परली बैजनाथ, 250 किलोमीटर की रेल लाइन है और इस पर अब तक 863 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। पिछले साल इसको 100 करोड़ मिला था और इस साल इसको 200 करोड़ रुपए कैपिटल से अलॉट हुआ है। साथ ही 367 करोड़ रुपए डिपॉजिट भी हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं सोलापुर बाड़ी से आस्था तक थोड़ा सा नई रेल लाइन ट्रैक में बना है। बात करते हैं अगली रेल लाइन की, जो कि है वर्धा नादेड़ बाय रास्ता यवतमाल पुरात, सुजापुर से माल तक जो रेल लाइन जाती है उसका एक पोर्शन है, उसको ये टच करते हुए नादेड़ से वर्धा तक जाएगा। इस साल इसके लिए ह्यूज अमाउंट 541 करोड़ रुपए अलॉकेट हुआ है। साथ ही इसके लिए 280 करोड़ रुपए लगभग डिपॉजिट। होपफुली इस साल इसमें काफ़ी कुछ ग्राउंड वर्क आपको देखने मिल जाए। एक और रेल लाइन है जिसके बारे में काफ़ी हाइप रहता है, इंदौर मनमाड़। और इसके लिए आप देखें कि पीआर के थ्रू 5000 करोड़ का प्रोविज़न है, पर इस साल के लिए कोई भी बजट अलोकेट नहीं हुआ है। अभी आने वाली एक दो साल तक वेट करेगा, इस साल इसमें कोई भी। बात करते हैं बारामती लोनार्ड रेल लाइन है 54 किलोमीटर की। इसमें लोनार्ड से पलथन जंक्शन स्टेशन तक काम हुआ है, तक इसमें 263 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुका है, पर बाकी पलथन से बारामती तक के लिए इस साल इसके लिए कोई भी बजट अलोकेट नहीं हुआ है। फिर कुछ हमारी भविष्य में आने वाली रेल लाइन है, जैसे कि कराड़ चिपलूण के लिए जो EBR एस्टिमेट है वो है 366 करोड़ रुपए, पर इसके लिए इस साल भी कोई बजट अलोकेट नहीं हुआ। इसी तरह दीघी पोर्ट रोहा एक रेल लाइन का प्रपोजल है, इसके लिए भी कोई बजट अलोकेट नहीं हुआ है। पुणे नासिक देख सकते हैं, इसके लिए भी काफ़ी तकरीबन 20 साल से इसके लिए बात चल रही है, बट अब तक ग्राउंड पर ये कुछ भी अलोकेट नहीं हुआ है। वैभववाड़ी कोल्हापुर एक रेल लाइन है। तरह जेऊर अस्थि एक रेल लाइन है और इसके लिए भी कोई बजट अलोकेट नहीं हुआ है। फिर है फल्टन पंडरपुर, तो ये एक रेल लाइन है। इसके बाद है हट करंगले इचल करंजी, एक छोटी सी रेल लाइन है 8 किलोमीटर की, इसके लिए भी कोई बजट अलोकेट। फिर है सोलापुर उस्मानाबाद तुलजापुर के रास्ते नई रेल लाइन, इसके लिए 10 करोड़ रुपए का फंड अलोकेट हुआ है और ये 10 करोड़ मोस्टली सर्वे और बाकी सब चीज़ों में खर्च हो जाए। फिर बात करते हैं धुले बोर बिहिर नरदाना, ये 50 किलोमीटर की एक रेल लाइन है धुले को नरदाना से जोड़ के, ताकि ये सूरत वाली रेल लाइन से, भुसावल सूरत वाली रेल लाइन से आपको कनेक्ट कर सके। इसके लिए इस साल 50 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। हालांकि के साथ ही पैरेलली नासिक पुणे एक रेल लाइन मनमाड़ इंदौर एक रेल लाइन है, वो भी इसी रूट पर रहेगी। तो ये देखना होगा कि ये रेल लाइन बनने के बाद इसको इंक्लूड करते हैं एक नई रेल लाइन। फिर बात करते हैं कल्याण से मुरवाड़ बारस्ता उल्लासनगर, तो इसके लिए एक रेल लाइन का प्रपोजल है, इसके लिए मात्र 5 करोड़ रुपए। फिर बात करते हैं एक ही यार में जो एरोगेज रेल लाइन है, जो है पचोरा से जामनेर के बीच में, और इसको बढ़ाकर मलकापुर तक बढ़ाने का प्रपोजल है, पर इसके लिए भी अभी तक कोई फंड अलोकेट नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं डबलिंग की, तो डबलिंग में पनकी सोलापुर के लिए कोई बजट अलोकेट नहीं हुआ है, पनकी माहौल। फिर पेंगरोहा ये डबलिंग हो चुकी है। गोदानी कालुमना कार्ड ये भी डबलिंग हो चुकी है। कल्याण कसारा थर्ड रेल लाइन के लिए EBR के थ्रू 100 करोड़ और 60 करोड़
कैपिटल से। फिर भुसावल जलगांव थर्ड रेल लाइन, इसका मुझे अब स्टेटस अभी तक पता नहीं है, ये भी आई थिंक हो चुकी है क्योंकि इस पर काफ़ी कुछ खर्च हो चुका है। फिर बड़दा सेवाग्राम थर्ड रेल लाइन, इसके लिए भी 60 करोड़ और 27 करोड़ रुपये खर्च किया जाए। फिर है तीनगांव चिचोड़ा थर्ड घाट रेल लाइन, के लिए कोई फंड अलोकेट नहीं है। फिर बड़दा बल्लारसा थर्ड रेल लाइन, इसके लिए 200 करोड़ रुपये अलॉट हुआ है और 105 करोड़ रुपये कैपिटल। इटारसी नागपुर जो बैलेंस बचा है उसके लिए 310 करोड़ रुपए कैपिटल से और 300 करोड़ ईबीआर के। पुणे मिराज लोंडा ये रेल लाइन पर भी काफ़ी डबलिंग का काम चल रहा है, उसके लिए 684 करोड़ रुपए कैपिटल से और 882 करोड़ रुपए ईबीआर के थ्रू। गौंड मनमाड़ इस रेल लाइन का भी काफ़ी डबलिंग का काम काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रहा है, इसके लिए 300 करोड़ रुपये कैपिटल से, 200 करोड़ रुपये ईबीआर से। वर्धा नागपुर फोर्थ रेल लाइन पर काम चल रहा है, 3 रेल लाइन हो चुकी हैं और इसके लिए 120 करोड़ रुपए अलॉट। मनमाड़ जलगांव थर्ड रेल लाइन के लिए भी 195 करोड़ रुपए ईआर के थ्रू अलोकेट हुआ। जलगांव भुसावल थर्ड रेल लाइन कंप्लीट हो चुकी है, फोर्थ रेल लाइन पर काम चल रहा है, इसके लिए भी 34 करोड़ रुपए ईबीआर के थ्रू और 21 करोड़ रुपए के। टोटल की बात करें तो 1535 करोड़ रुपए कैपिटल से और 2092 करोड़ रुपए EBR जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट देती है रेल लाइन। अब बात करते हैं अगर ओवरऑल बजट की बात करें तो नई रेल लाइन के लिए 809 करोड़ रुपए, गेज कन्वर्जन के लिए कुछ भी अलोकेट नहीं है, डबलिंग के लिए 1535 करोड़ रुपए, ट्रैफिक फैसिलिटी यार्ड रिमॉडलिंग के लिए 197 करोड़ रुपए, कंप्यूटराइजेशन के लिए 16 करोड़ रुपए, रोलिंग स्टॉक के लिए 19 करोड़ रुपए और ये जो बाकी पेमेंट्स रहते हैं लीज असेस पेमेंट ऑफ कैपिटल कंपोनेंट इसके लिए 1387 करोड़ रुपए, रोड सेफ्टी वर्क के लिए 28 करोड़ रुपए, रोड सेफ्टी वर्क रोड ओवर और अंडर ब्रिज के लिए 549 करोड़ रुपए, ट्रैक रिन्यूअल के लिए काफ़ी अच्छा अमाउंट है 1140 करोड़ रुपए, ब्रिज वर्क्स टनल वर्क्स अप्रोचेस के लिए 90 करोड़ रुपए, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 216 करोड़ रुपए, अदर इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए 97 करोड़ रुपीस, मशीनरी एंड प्लांट्स के लिए 30 करोड़, वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट के लिए 160 करोड़ रुपए, स्टाफ वेलफेयर के लिए 38 करोड़ रुपए, कस्टमर अम्यूनिटीज के लिए 234 करोड़ रुपए, अदर स्पेसिफाइड वर्क के लिए 49 करोड़, ट्रेनिंग एचआरडी के लिए 14 करोड़ रुपए। अब इसमें जब भी सीआर की हम बात करते हैं इसमें एक मेट्रो पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स की बात होती है क्योंकि आपके लोकल महानगर परिवहन परियोजना इसके लिए 729 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है, स्टोर सस्पेंस और मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस के लिए 1339 करोड़ रुपए और 1500 करोड़ रुपए। तरह से अगर हम इनका टोटल देखें तो कुल बजट होता है 10274 करोड़ रुपए और इसमें से जो क्रेडिट हम हटा दें तो लीज असेसमेंट पेमेंट कैपिटल है स्टोर सस्पेंस है मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस है तो ये बचता है 7251 करोड़ रुपये जो कि काफ़ी अच्छा बजट माना जा सकता है और WR की तुलना में इस बार ये थोड़ा ज़्यादा है। तो ये था मेरा पिंक बुक एनालिसिस इस साल का, देखते हैं इस आने वाले साल में जब हम थर्ड वेव का भी हमारे ऊपर खतरा नहीं है उतना ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय।